हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, किस तरह से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो हमने मिनरल्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन और बेसिक कुछ डिटेल्स पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर स्टार्ट होता है तो अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को, इस टॉपिक को हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, तो इस सेक्शन को, मतलब इस टॉपिक को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। तो 2 कॉन्टिनेंट इस वीडियो में पढ़ लेंगे और बाकी के बचे हुए कॉन्टिनेंट्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 होगा आपका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पार्ट 1। अब यहां पर अगर सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, तो मिनरल्स पहले एक बेसिक चीज जानना जरूरी है हमें कि मिनरल्स कहां पाए जाते हैं। तो मिनरल्स पाए जाते हैं डिफरेंट, मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार के ओर्स होते हैं, रॉक्स होती है, और अलग अलग रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, ये मानते हैं आप लोग सभी लोग, ठीक है। तो मिनरल्स अलग अलग प्रकार की रॉक्स में पाए जाते हैं। अब जब मिनरल्स अलग अलग प्रकार की रॉक में पाए जाते हैं, तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 तरह की कौन कौन सी रॉक्स होती है? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इग्नियस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, यह आपके सामने एक सवाल होगा। तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को अगर ऐसे समझिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मान लीजिए वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के चलते क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन के चलते लावा बाहर निकलता है। अब जो लावा बाहर निकला है, तो लावा बाहर निकलने के बाद में सूख जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है। आफ्टर कूलिंग डाउन द रॉक विच इज फॉर्म्ड आउट ऑफ लावा इज नोन एज इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक ऐसे बन गई। अब इग्नियस रॉक आफ्टर द कूलिंग डाउन ऑफ लावा इट बिकम्स इग्नियस रॉक। फिर मेटामॉर्फिक रॉक का स्टेज आता है, जब उस रॉक के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूसली हीट और प्रेशर एक्ट करती है, रेनफॉल एक्ट करती है, तो अंडर दोज कंडीशंस द इग्नियस रॉक टर्न्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो मतलब रॉक एक ही है, बस वो अलग अलग स्टेजेस में जा रही है। जैसे आप एज ए पर्सन आज कह सकते हो बच्चे हैं, ठीक है, कल को आप एक अडल्ट की कैटेगरी में आ जाओगे, परसों को आप और बड़े हो जाओगे, फिर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाओगे। तो वैसे ही क्या होता है कि रॉक वही रहती है, बस उसके स्टेजेस चेंज होते जाते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस फैक्टर्स, सच एस टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेनफॉल। तो अब इसमें इग्नियस रॉक होती है, आपको समझ में आ गया। मेटामॉर्फिक रॉक वो होती है जब इंटेंसिव प्रेशर और हीट और रेनफॉल, ये सारी चीजें काम करती है, तो उसके बाद में रॉक जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और लास्ट में सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, तो सेडिमेंट्री रॉक कौन सी रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक मतलब सेडिमेंट, सेडिमेंट से आपको क्या समझ में आया कि हमने ऐसा देखा है बहुत सी बार विंड के कारण, पानी के कारण एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह उठ के चली जाती है और वहां पे डिपॉजिट होने लगती है। तो जो रिमेन्स रहते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक जब हीट और प्रेशर के चलते डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होने के बाद में सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाएंगे, तो वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगी। तो ये 3 तरह की रॉक होती है। आई होप आपको तीनों रॉक समझ में आ गई, इग्नियस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है और सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो ये 3 रॉक्स हमने समझिए। अब अधिकतर मिनरल्स इन्हीं रॉक्स में पाए जाएंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन में क्या देखा था, टाइप्स ऑफ मिनरल में 2 तरह के मिनरल्स होते हैं, एक मेटालिक मिनरल्स होता है, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स होता है। तो अधिकतर मेटालिक मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं, और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इस तरह से क्या है कि जो 3 तरह की रॉक्स हैं, तो 2 तरह की रॉक मतलब इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक मेटालिक मिनरल्स के लिए जानी जाती है, और सेडिमेंट्री रॉक जानी जाती है नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए। इट इज सिंपल, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, तो स्वीडन यूरोप में एक कंट्री है, वहां पे आयरन ओर पाया जाता है इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में। कॉपर एंड निकल इन ऑन्टारियो, ऑन्टारियो कहां पे, कनाडा में, तो ऑन्टारियो में कॉपर और निकल पाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल बताए गए मेटालिक मिनरल के। वहीं पे नॉन मेटालिक मिनरल्स के अगर देखें, तो अधिकतर सेडिमेंट्री रॉक्स कहां पाई जाती है, जैसे जो प्लेन्स होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, तो यहां से सेडिमेंट्स बह के आते हैं पानी के साथ में, हवा के साथ में, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं प्लेन्स में। तो प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं, तो दे आर दी प्लेस वेयर सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड। तो सेडिमेंट्री रॉक्स यहां पे पाई जाती है। एग्जाम्पल अगर देखें सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो लाइमस्टोन डिपॉजिट इन कोकासस, ये फ्रांस में एक जगह है, तो कोकासस में लाइमस्टोन पाया जाता है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाने वाला नॉन मेटेलिक मिनरल है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल देखे, अलग अलग रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स देखे,
और उसके साथ साथ में तीन तरह की रॉक्स देखी, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गई है कि कौन सी रॉक क्या होती है और कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंटरी स्ट्रेटास। अब क्या होता है, जो पेट्रोलियम है, कोल है, ये मिनरल फ्यूल है, मतलब ये ऐसे मिनरल्स हैं जो फ्यूल का काम करते हैं। तो ये सारे मिनरल्स अधिकतर सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक भी डिपॉजिट होते चली जाती है, लेयर्स बनते जाती है, स्ट्राटा यानी लेयर्स बनते चली जाती है, और उन लेयर्स में इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अब वो मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग तरह की रॉक में देखने को मिलती है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में हमने एक बेसिक आउटलाइन देख लिया कि मिनरल्स क्या थे, कैसे पाए जाते हैं। अब हम कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं कि कहाँ किस कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो एशिया से स्टार्ट करते हैं, एशिया हमारा अपना कॉन्टिनेंट है, एशिया से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, तो हमारे यहाँ भी आयरन ओर पाया जाता है, चाइना में बहुत ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है, दोनों कंट्रीज एशिया में आती है। इसके चलते क्या है कि चाइना और एशिया में आयरन ओर डिपॉजिट है। अब उसके बाद में अगली चीज क्या है, चाइना में और इंडिया में हमने आयरन ओर डिपॉजिट पढ़ लिया। कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस, मतलब एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, ठीक है। तो जो टिन होता है, तो टिन वर्ल्ड का लगभग आधा और आधे से ज्यादा टिन जो है तो वो एशिया में प्रोड्यूस होता है। कौन कौन सी कंट्रीज में, तो जैसे चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन। अगली चीज देखी जाए तो जैसे मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, तो ये कुछ मिनरल्स है जो यहाँ पे और पाए जाते हैं। अब चाइना एक ऐसा एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसका जियोग्राफिकल एरिया भी बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे टंगस्टन वगैरह भी चाइना में पाए जाते हैं। तो हमने एशिया का सिचुएशन देखा कि एशिया में कौन कौन से मिनरल्स हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और किन चीज़ों के लिए एशिया जाना जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में हमने एशिया एज ए कॉन्टिनेंट को देख लिया। आपको ये ध्यान रखना है दो तीन पॉइंट्स कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एशिया, इंडिया चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर के, और दूसरे मिनरल जैसे मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, ये भी कुछ मिनरल्स है जो इंडिया एशिया में पाए जाते हैं। अगला कॉन्टिनेंट इन लाइन जो है हमारे पास वो है यूरोप। अब यूरोप को समझते हैं, यूरोप छोटा कॉन्टिनेंट है लेकिन उसके पास भी मिनरल्स हैं। तो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर जो प्रोड्यूस होता है तो उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरोप, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। तो ये कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं उस कॉन्टिनेंट की, किस कॉन्टिनेंट की, यूरोप कॉन्टिनेंट की, जो आयरन ओर प्रोड्यूस करती है। उसी के साथ साथ में कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। मतलब आयरन ओर के अलावा भी दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये सारे मिनरल्स, और अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप, मतलब जो जैसे ये पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं, और यूरोपियन रशिया। यूरोपियन रशिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, जैसे ये यूरोप है तो ये रशिया है पूरा, ये रशिया, ठीक है, और नीचे एशिया लगा हुआ है यहाँ पे। तो यूरोपियन रशिया बोलने से उनका तात्पर्य है कि वो रशिया का वो पार्ट जो यूरोप में आता है, ठीक है। तो यूरोपियन रशिया में भी ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो ईस्टर्न यूरोप भी इधर आ गया और यूरोपियन रशिया भी आ गया। तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा यूरोप के बारे में कि यूरोप में कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और किस चीज के लिए जाना जाता है। अब बचे हुए जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक बहुत ही अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।